हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये सोनी होम थिएटर रिपेयर का। तो इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड, जब भी मैं लाइन में लगा रहा हूँ, कभी लाइन आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और लाइन आ रहा है तो बजा भी रहा हूँ, तो साउंड जब बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जा रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, होमिंग कर रही है, सारा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें वगैरह वगैरह लगभग प्रॉब्लम जो आ रही है। तो सोनी का जो ये चाइना होम थिएटर है या कोई भी होम थिएटर हो, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है अगर इस तरह का ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगी हुई है चाइनी वाली। तो चलिए मैं दिखाते हैं क्या रीज़न है। कोई भी होम थिएटर हो, ये वाली प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, और इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी आप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है, पहली जो वीडियो देख रहे हैं चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो यहाँ पे मैंने बहुत चेक किया, अभी तो बंद नहीं हो रही कम साउंड में, जब बेस वाली लोड पड़ती है तो फ्रेंड बंद हो जाती है। तो चलिए, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर का ये तीन वायर यहाँ पर जुड़ी होगी सर्किट बोर्ड के साथ, ये तीन वायर का ही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है हमेशा, इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद भी ठीक नहीं होते तो आगे सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मेन आपका जो ट्रांसफार्मर से जो पावर जा रही है, ये पावर एक्यूरेट नहीं जा पा रही है। तो ये तीन वायर को आपको चेंज करना है या रिसॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू वायर लगाऊँगा, तो चलिए न्यू वायर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो और कुछ आपको इसमें नहीं करना फ्रेंड, और इसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, एक प्रॉब्लम और आता है जो कि मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, उस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो है इससे से रिलेटेड। उसमें क्या होता है फ्रेंड, हाई वोल्टेज बनने से इसके बैक साइड में दो कैपेसीटर लगे होते, कैपेसीटर फट जाएंगे, डाइवर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस तरह का प्रॉब्लम का वीडियो हमारा कुछ दिन पहले ही अपलोड किया हूँ, उस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है। और ऐसा प्रॉब्लम फिर आता है कैपेसिटर फटने वाले या कुछ अलग टाइप का, तो उसका भी वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा जब हमारे पास आएगा उस तरह का प्रॉब्लम। लेकिन फिलहाल फ्रेंड, ये वाली प्रॉब्लम जो है ज़्यादा आता है, जिससे कि आपका होम थिएटर वन ऑफ हो रहा होगा। तो चलिए, आप न्यू वायर को यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा वायर को खोल लिया, और यहाँ पर न्यू वायर लगाएंगे, वो भी कॉपर, ताकि अच्छे तरीके से वर्क हो पाए। और फ्रेंड, ये वाली प्रॉब्लम जो है फ्रेंड, ओनली सिर्फ अल्मोनियम ट्रांसफार्मर में ही आता है, और कोई दूसरा ट्रांसफार्मर में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये अल्मोनियम वाले ट्रांसफार्मर है, 6 महीना होने के बाद ही प्रॉब्लम करने लगती है। तो इसमें हम कॉपर वायर लगा रहे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए, यहाँ पर कॉपर वायर इजीली लगा लीजिएगा, 3 वायर हैवी में, जिससे कि लोड अच्छी तरीके से ले पाए। अब चलिए फ्रेंड, मेरे यहाँ पे वायर लग गया है, और इसको अच्छी तरीके से करेंगे। अब फ्रेंड, हमारा ये तीनों वायर हो गए, इसमें टेप लगा लेते हैं, जिससे कि बाहर में कोई भी चीज़ को शॉर्ट ना हो। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे टेप लगा लिया, ये टेप यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा ताकि बाहर में शॉर्ट ना हो। और चलिए, जहाँ से तीन वायर जहाँ पे जुड़ी हुई थी, सेम जगह पे जोड़ेंगे, बीच वाले को बीच में, साइड वाले को साइड में। अगर गलती जुड़ती है तो फिर आपका जो है पावर सप्लाई सही से चालू नहीं होगा, और आपका भी होम थिएटर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सही से कनेक्शन यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद वहाँ पर लगाना में आसानी होगा। चलिए, सभी वायर में थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पे लगाते हैं।
बीच वाले पॉइंट को बीच में, साइड वाले पॉइंट को साइड में, अपना पॉइंट को देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए मैं जहाँ तहाँ भी कनेक्शन जोड़ दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वहीं पर जोड़ूंगा जहाँ पर इसका कनेक्शन रहता है फ्रेंड। तो आप अपना कनेक्शन को देख लीजिए, कोई भी वायर वहाँ से हटे नहीं, अगर आप नया है तो, और अगर पुराना है तो आपको तो कनेक्शन अच्छी तरीके से पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से ये लीड वायर को चेंज करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके जगह में ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड, आपका ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा यहाँ तो हो गया, एक वायर यहाँ टूट गया है, तो इस वायर को भी जोड़ लेंगे, जो जो वायर आपको पता चले। यहाँ का वायर कोई गलती जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर का वायर गलती जुड़ने से आपको दिक्कत हो सकती थी। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। जो भी स्क्रूप है हमने निकाल लिया और इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जो चैनल पर न्यू है, ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आके देख सकते हैं वीडियो, और अपना होम थिएटर का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नया चैनल पर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है, और बहुत सारे वीडियो आने वाली है। तो चलिए अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने लगा, आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो फ्रेंड चलिए फिर से नया वीडियो और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।